झटका पर झटका, पश्चिमी यूपी में बीएसपी प्रमुख मायावती के काम नहीं आया कोई सियासी टोटका। 26 साल पुराना बसपा का एक बड़ा स्तंभ ढह गया, ढाई दशक से ज्यादा जिसका ठिकाना रहा बसपा, उसने ले लिया एक बड़ा फैसला। बीएसपी के उस कद्दावर नेता ने मायावती से तोड़ा नाता, जयंत को पश्चिमी यूपी का उभरता हुआ सितारा बता दिया। इधर उधर अगर वो जाते रहते तो कहां जा सकता था कि दल बदल में ये माननीय माहिर हैं, इसीलिए चला गया। बीएसपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा कि घोसी में दारा सिंह चौहान की ओर से लिए गए फैसले से हुआ। सपा की राजनीति कमजोर नहीं, मजबूती हुई, लेकिन बीएसपी को छोड़ने वाले इस नेता के साथ ऐसा नहीं है। वो ढाई दशक से ज्यादा वक्त से बीएसपी में रहा, 26 साल से बीएसपी की राजनीति को पश्चिमी यूपी में चमकाने का प्रयास करता रहा, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती की राजनीति इस कदर निराश हुई कि अब उन्हें आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की राजनीति में अपनी राजनीति के लिए भविष्य दिखने लगा और फिर हाथी की सवारी को भूल जयंत की सियासत की ओर चल पड़ा। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की राजनीति की एक बड़ी जीत है। कहा जा रहा है जयंत ने उस नेता को अपनी पार्टी में जगह देने के लिए बकायदा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सहमति ली, फोन कर उनसे बात की, पूछ लिया इस नेता को आरएलडी में ठिकाना देना आरएलडी के लिए कितना अच्छा रहेगा। अखिलेश ने भी कह दिया अच्छा रहेगा, उसको सम्मान के साथ आरएलडी में जगह दीजिए। तो कौन है वो कद्दावर नेता जिसका बीएसपी को छोड़ना बीएसपी के लिए झटके की तरह है, जिसका नुकसान मायावती की राजनीति के लिए बहुत बड़ा रहने वाला है? पश्चिमी यूपी की राजनीति में उसका कितना महत्व है उसे समझिए। गलियारों में चर्चा है कि मुजफ्फरनगर में 26 साल पुराना बसपा का एक बड़ा स्तंभ ढह गया। ढाई दशक से ज्यादा समय से बीएसपी की सेवा कर रहे बसपा के पूर्व मेरठ सहारनपुर कोऑर्डिनेटर जियाउर रहमान ने संगठन को अलविदा कह दिया। जियाउर रहमान आरएलडी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए दिल्ली में है। मुजफ्फरनगर में पुराने राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले जियाउर रहमान भट्टे वाले पिछले 26 साल से बसपा में सक्रिय थे। उनके पिता अजीज और रहमान भट्टे वाले भी कांग्रेस पार्टी में काफी दिनों तक सक्रिय रहे। जियाउर रहमान ने राजनीति में कदम रखा तो उन्हें बहुजन की पैरोकार कही जाने वाली बसपा में काफी सम्मान मिला। करीब 26 साल तक पार्टी में रहे जियाउर रहमान मेरठ सहारनपुर जिला के कोऑर्डिनेटर रहे, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष भी रहे। जियाउर रहमान ने बसपा के टिकट पर मुजफ्फरनगर पालिका से अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा। उनकी पत्नी को भी बसपा ने एक बार मैदान में उतारा। जियाउर रहमान पिछले कुछ महीनों से पार्टी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। एक पखवाड़ा पहले जियाउर रहमान ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से दिल्ली में मुलाकात की। इसके बाद से यह चर्चा आम हो गई कि जियाउर रहमान बसपा को अलविदा कह सकते हैं। 17 अक्टूबर को जियाउर रहमान ने बीएसपी को अलविदा कहने की घोषणा करते हुए दिल्ली के लिए कूच किया। बताया कि वो आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूती देने की कोशिश में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कोशिशों के बीच वेस्ट यूपी में ये बड़ी उठापटक है जो मायावती के लिए झटके सरीखी है। कुल मिलाकर 2014 के बाद से लगातार वेस्ट यूपी में कमजोर हो रही बहुजन समाज पार्टी में संगठन में उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर महीने वेस्ट यूपी के संगठन में बदलाव कर मायावती मजबूत करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पदाधिकारियों में गाली गलौज तक हो गई। मामला मायावती के दरबार में पहुंचने पर अनुशासनहीनता में कई पर गाज गिर गई। बताते हैं कि विधानसभा स्तर पर एक पदाधिकारी ने जिला स्तर के पदाधिकारी को मोबाइल पर गाली गलौज कर दी। इसकी शिकायत जिला पदाधिकारी ने रिकॉर्डिंग के साथ लखनऊ दरबार में कर दी, जिसके बाद एक्शन लिया गया। पहले पत्र में मेरठ मंडल प्रभारी पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री प्रशांत गौतम, सरदना विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष राकेश फलावदा, एक अन्य पदाधिकारी प्रवेश जाटा पार्टी से निकाल दिए गए। तीनों पर अनुशासनहीनता करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगा। इसी क्रम में इन तीनों के खिलाफ रिपोर्ट देने वाले मेरठ बीएसपी के जिलाध्यक्ष मोहित आनंद को भी अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उन्हें बागपत में संगठन देखने को कहा गया। इसी के साथ मेरठ सहारनपुर मुरादाबाद मंडल एक तरह से वेस्ट यूपी के प्रभारी के तौर पर काम देख रहे कोऑर्डिनेटर राजकुमार गौतम को भी मेरठ मंडल से हटा दिया गया। राजकुमार गौतम के बारे में माना जाता है कि पदों से हटाए गए और निकाले गए पदाधिकारियों के वो संरक्षक हैं। मेरठ का नया जिलाध्यक्ष पूर्व पार्षद जयपाल पाल को बनाया गया है।